हेलो एवरीवन, आज हम पेपर क्लिप बनाने लगे हैं। उसके लिए हमें तीन इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैं जो आज पेपर क्लिप बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ जो हमारे एग ट्रेज होती है ना, उसके साथ, ठीक है। तो और सेकंड चीज़ जो हमें चाहिए, दैट इज़ फेविकोल एमआर, एंड थर्ड इज़ कॉर्नफ्लावर, ठीक है। इन तीन चीज़ों से आज हम ये अपना क्ले बनाएंगे। ये मैंने जो एग कार्टन्स थे हमारे, एग की जो ट्रेज होती हैं, उसको मैंने तोड़ करके और थोड़ी देर पानी में डिप कर दिया। उसके बाद उनको ग्राइंड कर लिया अच्छे से। ग्राइंड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम स्क्वीज करेंगे। एक्स्ट्रा वाटर जो है वो आपने स्क्वीज आउट कर देना है। इसको हमने, ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। जैसे न्यूज़पेपर को अगर हम डिप करें तो हमें 4 to 5 hours उसको मिनिमम डिप करना पड़ता है। ये हाफ एन आवर में ही अच्छे से वो हो जाती हैं। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप लोग इसको बॉइलिंग वाटर में डाल दीजिए, तब आप साथ की साथ भी इसकी क्ले बना सकते हो। एक हम इसमें क्योंकि हम कॉर्नफ्लावर का यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग विनेगर डालेंगे 1 to 2 teaspoons, ठीक है। अभी मैं इतनी का ही बना देती हूँ, जस्ट टू सेव आवर टाइम, ठीक है। ये देखिए, इसको अच्छे से आपने डिप करने के बाद ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसमें कुछ भी फेविकॉल और उसकी कोई रेशो नहीं है, जस्ट हम पहले इस तरह से फेविकॉल में मैं इसको अच्छे से फिर से एक बार मैश कर लूंगी। आप उसको कॉर्नफ्लावर को डालने से पहले आपका जो ये क्ले है, कार्टन है जो, वो अच्छे से मैश हो जाना चाहिए। वैसे आपने जब ग्राइंड करना है तभी इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इस क्ले को भी हम बहुत जगह पर यूज कर सकते हैं, दैट इज ये भी पेपर क्ले है। जैसे हम न्यूज़पेपर से बनाते हैं, मैंने आपको वॉल्यूमनाइजिंग क्ले बनाना सिखाया है, सेम है ये भी, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से हम लोग इसको अच्छी तरह से, मैं पहले इसको फेविकॉल में अच्छे से इसको मिक्स कर लूं। अब हम इसमें क्या डालेंगे, विनेगर। इसमें हम 1 teaspoon, जैसे ये है तो इसमें हाफ ही बहुत है, इतनी सी क्ले में हाफ ही बहुत है, ठीक है। 1/2 teaspoon ये मैंने व्हाइट विनेगर डाला है। वो ये विनेगर हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारी क्ले जो है वो सेव रहे फंगस वगैरह से, क्योंकि हम इसमें एडिबल थिंग यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो सिट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप लेमन जूस भी यूज कर सकते हो। कुछ भी, इन तीनों में से कुछ भी यूज कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हम इसमें, ये देखिए इस तरह से है, हल्की एक वेट कंसिस्टेंसी है इसकी, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा जो है हमारा ये कॉर्नफ्लावर, इसको ऐड करेंगे और इसको डो की तरह नीड करेंगे। अच्छे से आपने इसको नीड करना है, सॉफ्ट बनाना है हमने इसको। आपका जो ग्राइंड है, इसको ग्राइंड जो अपने पेपर को करना है, वो बहुत अच्छे से ग्राइंड होना चाहिए। थोड़ा सा और डालूंगी मैं इसको,
अभी मैं आपको दिखाऊंगी। बाई चांस कभी आपको लगे कि थोड़ा पाउडर ज्यादा डल गया है, मतलब ये जो हमारा कॉर्नफ्लावर है वो ज्यादा डल गया है, तो आप उस आपको हार्ड लगे तो आप उसमें फेविकोल ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि फेविकोल ज्यादा है तो आप लोग आप उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका डो जो है वो बहुत सॉफ्ट है तो आप उसमें कॉर्नफ्लावर और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा डो जो है वो रेडी हो गया। बस इतना सा टाइम लगता है इसमें, और अब हम इस पेपर क्ले को यूज करेंगे अपने न्यू प्रोजेक्ट में। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एवरीवन, बाय।